हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम आज की क्लास में मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज बेसिकली क्या है, इसका यूज क्यों किया, इसका यूज जो है वो अनोन रेसिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। क्या है, मीटर ब्रिज इज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट या सोन इन द सर्किट। इसमें क्या है, देखो दो रजिस्टर्स है तो एक का वैल्यू यदि मालूम है और दूसरे का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज हमको मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, R1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि मीटर ब्रिज है। देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, एक वायर है जिसका लेंथ क्या होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर का होता है, ठीक है। उससे हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू, हम क्या करेंगे, यहाँ बैटरी से, हमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देंगे और करंट सप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, या हम नहीं भी कर सकते हैं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे कि करंट यहाँ से मान लेंगे और इस जो जॉकी है उसको क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से इधर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं और नल पॉइंट ढूंढते हैं। उसके बाद जैसे ही नल पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जस्ट बैलेंस विच स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करेगा और उस कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, R1 का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, पहला जो है मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस विच स्टोन ब्रिज जो मैंने बताया ऑलरेडी। उसके बाद है इट इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अनोन रेजिस्टर्स, ठीक है, अनोन रेजिस्टर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद अभी तक जो मीटर ब्रिज यूज करके अभी तक जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है वो मिनिमम रेजिस्टेंस कितने ओम का कैलकुलेट किया गया है, 1 ओम का। तो मिनिमम रेजिस्टेंस मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज इज 1 ओम। उसके बाद क्या है कि इसका जो लेंथ होता है मीटर ब्रिज का, जैसा कि लेंथ होता है तो लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मीटर ब्रिज क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ऐसे नहीं है कि कहीं डायमीटर क्या होगा, जो वायर का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मीटर ब्रिज इज यूनिफॉर्म, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज वेरी हाई एंड नियरली इंडिपेंडेंट विद द टेम्परेचर। क्या होगा, मीटर ब्रिज का जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नथिंग बट द मेड ऑफ विथ एलॉय, एलॉय के साथ, एलॉयज के साथ क्या है, मिल करके इसको बनाया गया है। मैग्नीन हुआ, मैग्नीन को यूज करके हम बनाते हैं, क्योंकि मैग्नीन का जनरली आप देखोगे तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। नियरली रेजिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीटर ब्रिज का जो अल्फा वैल्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेसिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज होगा तो यहां हम क्या लिख लेंगे, एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि अल्फा, अल्फा इज क्या होगा, वेरी स्मॉल फॉर मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के लिए जो अल्फा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही छोटा है। अब देखो R क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ द, रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल अपॉन क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, रो एल अपॉन ए। देखो रो भी क्या हो गया, यहां रो कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, ए भी क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ। बोल सकते हैं ना, क्या होगा, मीटर ब्रिज, ये बोलो कि नहीं आपने ऐसा, आर इज डायरेक्टली लेंथ और मीटर ब्रिज का कॉन्स्टेंट होता है,
ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप जितने पार्ट का, किसी पार्ट का आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, जैसे मुझे आर ए पी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ कि आर ए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल वन, क्या हो जाएगा, आर ए पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल वन, आर पी बी विल बी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल टू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यही ध्यान में रखें, रेजिस्टेंस ऑफ क्या होगा, मीटर ब्रिज, आई मीन रेजिस्टेंस ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं आर ए पी, देखो तो पी क्या है, पी बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, देखो इसमें स्लाइड नहीं करेंगे, स्लाइड जब करोगे तो क्या हो, टैपिंग बोलते हैं, आई मीन हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, हम इसको इस वायर पे हर जगह मतलब पुट करते हैं, उठाते हैं, फिर रखते हैं, फिर रखते हैं, फिर रखते हैं, और देखते हैं कि किस पॉइंट की कोरस्पोंडेंस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। मैंने बताया था कि व्हेन एवर देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, जब भी गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके थ्रू क्या होता है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है। नल डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि इस पॉइंट के कोरस्पोंडेंस, आई मीन इफ द जॉकी विल बी एट पॉइंट पी, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी क्या होगा, जीरो, आई मीन गैल्वेनोमीटर सो नल, नो डिफ्लेक्शन, उसमें क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ क्या बोल सकते हैं कि आर, देखो तो ए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल वन, एंड बोल सकते हैं कि आर क्या होगा, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल टू, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर ए पी अपॉन आर पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल वन अपॉन क्या होगा, एल टू, ये ध्यान देना है, L1 upon L। अब कुछ नहीं है इसमें, अब एक क्या होगा, देखो सिंपल क्या हो जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को हटा देते हैं, ठीक है, इस सर्किट के कोरेस्पोंडेंस हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देंगे। देखो ध्यान से, आपको मालूम है यहां L1 plus L2 equal to क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यही होगा ना, क्योंकि मीटर ब्रिज का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 1 मीटर होगा, आई मीन क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। तो L1 प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल एक सर्किट से रिप्लेस कर, ऐसे देखो ये मिड पॉइंट नहीं हो सकता, ऐसा कोई जो नहीं, ए पी इधर क्या हो गया, आई जी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इधर आर टू, ये क्या हुआ, आर वन है ना, और एक रेजिस्टेंस इधर हमने कनेक्ट कर दिया जो क्या होगा, आर पी बी, और इसको हमने क्या माना, आर ए पी। अब सिंपल है क्या हो जाएगा, सर्किट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो तो जब इधर से करंट नहीं फ्लो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया क्या, तो हम बोल सकते हैं आर वन इंटू आर पी बी इज इक्वल टू आर टू इंटू आर ए पी, बोल सकते हैं हम आसानी से। तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, हैंस क्या होगा, आर वन आर पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर टू अपॉन आर टू इंटू क्या होगा, आर पी ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर पी ए अपॉन आर पी बी, और इसको लिख सकते हैं आर पी ए अपॉन आर पी बी या ए पी जो भी होगा, एल वन, एल वन अपॉन क्या हो गया, तो देखो यहां से आर वन अपॉन आर टू का वैल्यू जो मिला वो कितना मिला, एल वन अपॉन क्या हो जाएगा, एल टू हो जाएगा, और एल वन अपॉन एल टू यहां से आपको दिया हुआ है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहां वैल्यू रख सकते हो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक आर का वैल्यू दिया रहेगा, तो दूसरा आर क्या होगा, इजिली मालूम चल जाएगा। अब इसमें देखो एंड करेक्शन भी करते हैं, लेकिन वो सब चीज अभी हम नहीं देखेंगे, एंड करेक्शन भी है, एंड करेक्शन क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे, बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में ही आते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल एक पॉइंट याद रखना है कि हम यहाँ जो ये जॉकी, आई मीन ये जो पॉइंट होता है पी पॉइंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, हम पी पॉइंट जो होना चाहिए वो नियरली क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट के अराउंड होना चाहिए, सो दैट एंड करेक्शन, आई मीन क्या है, देखो हमने क्या माना, एंड करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो रेसिस्टेंस होगा उसको हमने क्या किया है,
देखो ये मीटर बेसिकली क्या होना चाहिए, ये वाला लेंथ होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है, कुछ लेंथ कंसीडर नहीं किया है, तो उसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन हम तब कंसीडर नहीं करेंगे जब ये क्या होगा, पी जो पॉइंट होगा वो नियरली क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा, आई मीन 42-60 सेंटीमीटर के अराउंड आई मीन होगा। समझ में आया ना? तो एक चीज नोट में लिख लेना है उसको कि यहाँ नल पॉइंट और पॉइंट पी मस्ट भी क्या होना चाहिए, नियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज। तो क्या होना चाहिए, नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट, इसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, मस्ट बी नियर टू द मिडल ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, तो नियर टू द क्या होगा, मीटर ब्रिज, तभी क्या होगा एंड करेक्शन को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और रीडिंग आसानी से R1 R2 किसी का वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर। तो आप इस पे प्रॉब्लम देख लेना, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। पोटेंशियोमीटर, अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कि मैंने बताया था कि जब हम वोल्ट मीटर डिजाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर यूज करके, तो हमने बताया था कि वोल्ट मीटर का जब इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। आई मीन ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, मोर एक्यूरेट विल बी इट्स रीडिंग एंड वाइस वर्सा। लेकिन आइडियली ऐसा होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज जो रीडिंग मेजर करता है वो क्या करता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर होता है, आई मीन इन एक्यूरेट रीडिंग को क्या करता है, मेजर करता है। तो पोटेंशियोमीटर का वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज बिहेव लाइक ए आइडियल वोल्ट मीटर। आई मीन आपको जब भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप वोल्ट पोटेंशियोमीटर को क्या करो, वहाँ कनेक्ट कर दो। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये क्या, एक पोटेंशियोमीटर जो बिहेव करता हो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, आई मीन आइडियल वोल्ट मीटर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, सर्किट से कुछ भी करंट विथड्रॉ नहीं करेगा, विदाउट विथड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इट विल मेजर द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, उसके बाद दूसरा जो इसका यूज होता है, आई मीन फर्स्ट ये मैंने बताया कि पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, कि आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है। दूसरा, यदि आप कोई भी बैटरी का आई मीन सेल का EMF दिया हुआ है तो आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या हुआ, कि किसका EMF ज़्यादा होगा, किसका EMF कम होगा, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका क्या है, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेजर करना हो तो आप क्या करोगे, इसका यूज पोटेंशियोमीटर का करो। उसको यूज करके हम आसानी से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो कि एक पोटेंशियोमीटर, सिंपल पहले मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक वायर होता है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही क्या है, पोटेंशियोमीटर है। अभी मैं कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, पोटेंशियोमीटर वायर आई मीन वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, या पोटेंशियोमीटर सिंपल बोल सकते हो, पोटेंशियोमीटर। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन अब बाद में। ये क्या होता है, एक वायर होता है जिसका लेंथ, ये जो एल होगा, एल जो लेंथ हमने माना, ये लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, लेंथ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 मीटर और 6 मीटर के क्या होगा, बीच में होता है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पहला क्या है कि पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, 6-10 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो आगे जब पढ़ोगे सेंसिटिविटी, हम पढ़ते हैं वहाँ कि पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी, आई मीन सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, कि कितना मिनिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है, दैट मिनिमम, जितना मिनिमम वैल्यू ये मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना मिनिमम मेजर करेगा उतना ही इसकी सेंसिटिविटी जो होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा।
जिसको बोलते हैं कि नहीं इसका सेंसिटिविटी बहुत अच्छा है। तो बाद में हम देखेंगे कि सेंसिटिविटी जो होता है वो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि सेंसिटिविटी। तो पहला तो ये क्या है कि लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, आई मीन पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, 6 मीटर टू क्या होता है 10 मीटर होता है, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, सबसे पहले दूसरा जो पॉइंट है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, एक पॉइंट ए मान लेता हूं और एक पॉइंट बी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्या होगा पोटेंशियोमीटर इज क्या होगा, इज यूनिफॉर्म। क्या है, पोटेंशियोमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है। आई मीन हम बोल सकते हैं कि इफ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पोटेंशियल, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा। दूसरा जो पॉइंट है कि इसका जो बेसिकली क्या होता है, ये अलॉय से मिलकर के बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, नियरली टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, इनडिपेंडेंट होना चाहिए। यदि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो फिर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है कि रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज क्या होगा, वेरी हाई, आई मीन हाई एंड नियरली इंडिपेंडेंट विथ क्या होगा, विथ टेम्परेचर। आई मीन हम बोल सकते हैं कि रो भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। देखो ध्यान से कितना, रो भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, यही समझना है। ठीक है, अब आपको भी मैंने बताया था कि LY के केस में क्या होता है, रेसिस्टिविटी नियरली हम क्या मानते हैं, ओवर द गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगेन अल्फा, आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अब हम आते हैं क्या, रो, आई मीन देखो तो रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, आर स्टैंड फॉर रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन क्या होगा, ये होगा क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन। अब देखो इसको भी, ए भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हमने मान लिया, आर क्या है, रो क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, और ए भी हमने क्या माना, कॉन्स्टेंट। तो हम बोल सकते हैं अगेन कि रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर लार्जर विल बी इट्स रेसिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या कि ग्रेटर द क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, सॉरी ग्रेटर द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर मोर विल बी इट्स रेसिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है, एक सिंपल क्या पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका जो क्या होता है जनरली कितने मीटर लॉन्ग होता है, 6 to 10 meters, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद रेसिस्टिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज वेरी हाई एंड नियरली इंडिपेंडेंट विद टेम्परेचर, दैट इज क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर विल बी वेरी स्मॉल, smaller the value of coefficient of resistivity alpha, smaller will be the sensitivity of the क्या होगा device for the temperature। क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा alpha का value कम होगा उतना ही क्या होगा वो जो device होगा वो क्या होगा less टेम्परेचर सेंसिटिव होगा। ठीक है, आई मीन टेम्परेचर से उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा।
तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ, फिर हम आते हैं कि काम कैसे करता है। तो क्या होगा यहाँ, हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर क्या होगा, आर विल बी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ। दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड लेंथ, ठीक है। ग्रेटर द क्या होगा लेंथ, लार्जर विल बी द पोटेंशियल, लार्जर विल बी द क्या होगा रेसिस्टेंस, एंड वाई से वर्सा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई मीन ये क्या है, सिंपल पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वायर इज क्या होगा मेड ऑफ, मेड ऑफ विथ एलवाइज, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इससे मिल करके क्या होता है, बनाया जाता है। तो ये सिंपल पोटेंशियोमीटर का क्या है कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप देखो, अब यहाँ क्या होगा, एक और पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने बताया कि ये पोटेंशियोमीटर जो है, मान लो कि उसके थ्रू क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा। देखो ध्यान से, फिर हम आते हैं वहां। यही क्या है पोटेंशियोमीटर, वायर है ये भी, है ना, इसका लेंथ हमने क्या मान लिया है L, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस भी दिया रहेगा, कुछ तो दिया रहेगा रेसिस्टेंस। तो यहां हम बोल सकते हैं कि R will be directly proportional to क्या होगा। अब मान लो कि इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रहा है I, क्या होगा, I करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू, ठीक है। तो यदि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं बता, देखो तो VAB, या मान लो कि यही है पी पॉइंट, पी पॉइंट है, तो मुझे क्या लिखना है VAP, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट एंड P, यही होगा ना। तो देखो तो VAP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिंपल I इंटू क्या लिख सकते हैं R AP लिख सकते हैं, यार लिख सकते हैं ना, और एक R AP लिख सकते हैं ना। अब यहां से हम लिख सकते हैं VAB AP इज इक्वल टू I into RAP, हम जानते हैं कि RAP जो होता है वो क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ के क्या इक्वल होता है। तो यदि इसका लेंथ, आई मीन मान लो कि ये लेंथ क्या है x दिया हुआ है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो R जो होगा, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये तो देखो ये क्या हुआ कांस्टेंट हो गया, ऐसे बोल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा x, बोल सकते हैं क्या, देखो बोल सकते हैं VAP directly proportional to क्या होगा, I mean क्या होगा, ये जितना ज्यादा length होगा उतना ही potential drop क्या होगा ज्यादा होगा, बस ये यही concept use करना है, दूसरा कुछ नहीं use करना है, बस ये आपको आता है तो दूसरा कुछ करना ही नहीं है, केवल jockey को क्या करना है, इधर उधर move करा करके balance point ढूंढ लेना है, और फिर यही concept आपको क्या करना है use करना है। तो ये ध्यान रखना है कि potential difference between two point of the potential meter will be directly proportional to क्या होगा length, length of the wire corresponding to that point. I mean क्या होगा, यदि मुझे VAP निकालना है तो देखो VAP is directly proportional to क्या होगा x, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब potentiometer का जो construction होता है, उसको हम देखेंगे। देखो क्या होगा, यही क्या होगा potentiometer wire हो गया, इसको हमने क्या मान लिया ए और इसको बी मान लिया, ठीक है। इससे दो सर्किट इसमें होते हैं, एक तो सर्किट हमेशा क्या होगा फिक्स होगा, कि हमने यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लिया, किसी किस बुक में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं भी दिया हुआ है तो उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ हम क्या करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आर एच जिसको रियो स्टेट बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, इससे हम क्या करते हैं उसको, ठीक है, यही क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग सर्किट और प्राइमरी सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट और क्या बोलते हैं हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, है ना, इसका लेंथ हमने मान लिया क्या है एल, और आर तो अपने को मालूम ही है, तो दिस इज पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियो, पोटेंशियोमीटर वायर,
उसके बाद इसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, इंटरनल एसेंसेस। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, और इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट ऐसे लिख देता हूं आप, हमेशा ये सर्किट में क्या होगा, फिक्स रहेगा। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, प्राइमरी सर्किट, और इसी को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग। हमेशा क्या होगा, ए फिक्स रहेगा। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, इधर क्या होता है इसमें कि एक यहाँ इसको जॉकी बोलते हैं या टैपिंग पॉइंट बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना कि इसको हम ऐसे मूव नहीं कराते हैं, उठा करके फिर रखेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो मालूम चलेगा, क्योंकि जैसे ऐसे मूव कराओगे तो क्या होगा, हीट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो रीडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना है मुझे, अब यहाँ क्या करते हैं, इससे हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ये क्या होता है अपना, बेसिकली क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो इसको हम सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्राइमरी सर्किट जो होता है वो, ये जो होगा ई आर और रियोस्टेट, इसका काम क्या होता है, इसमें करंट को क्या करना, एडजस्ट करना, ठीक है, करंट कंट्रोल करना। इसको रियोस्टेट बोलते हैं, आरएच, या वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आप दिखा दोगे तो चलेगा। तो ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ये वाला जो प्राइमरी सर्किट जो होता है, ऑलवेज क्या होता है, सेम एक्सपेरिमेंट में हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अब मुझे क्या करना है, यहां जो भी मान लो कि मुझे क्या करना है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, क्या है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मुझे इसके अक्रॉस क्या करना है। अब देखो मुझे यहां, अभी अब मुझे यहां करंट फाइंड आउट करना है। देखो आई, यहां मुझे जो मेजर करना होगा, मान लो कि ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू मेजर करना होगा, तो यहां प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट में हम क्या करेंगे, यहां कनेक्ट कर देंगे। यदि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, यहां कनेक्ट कर देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का मेजर करना है तो हम यहां कनेक्ट कर देंगे। ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है, अलविज क्या होगा, फिक्स होगा। अब देखो ध्यान से, तो एल क्या है, यहां मान लेते हैं कि आर क्या है, देखो यहां हमने आर मान लिया, क्या, रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, दिस इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एल क्या है, लेंथ, यही जरूरी है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, बस दो चीजें। अब आपसे यदि करंट कोई पूछे तो देखो आप आसानी से बता सकते हो, मैं डायरेक्ट भी लिखूं तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई मीन करंट इन द ड्राइविंग सर्किट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एच, आई मीन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर प्लस क्या होगा, आर एच, रेसिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। यही क्या होगा, करंट सप्लाई बाय द, या करंट इन द ड्राइविंग सर्किट, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द करंट, करंट करंट इन द ड्राइविंग सर्किट, ठीक है, क्या है, करंट इन द ड्राइविंग सर्किट। अब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म यहां मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले, हम उसको देख लें फिर हम इसका यूज क्या करेंगे, बस यही है पोटेंशियोमीटर, दूसरा कुछ नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे, दूसरा कुछ नहीं है, ये करंट हमने मेजर कर लिया है तो आपको आता ही है पहले से। अब क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म होता है, क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म। तो अगेन देखो मुझे अभी क्या करना है कि यहां से देखो, यहां से पी, ये कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, यही क्या करना है मुझे, मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये समझना जरूरी है। तो अब देखो फिर हम आते हैं, तो यहां क्या होगा, देखो अब मुझे क्या लिखना है, भी क्या लिखना है, भी ए पी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आई इन टू क्या लिखेंगे, आर ए पी, यही लिखेंगे ना यार। और आपको मालूम है, देखो आर ए पी यहां से लिख सकते हो कि फॉर आई, देखो VAP is equal to I का वैल्यू लिख सकते हो E अपॉन क्या लिख सकते हो R plus small r plus RH into क्या लिख सकते हो RAP, ये इक्वेशन वन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, हमने बताया था कि पोटेंशियल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ, तो हम लिख सकते हैं R अपॉन
आर ए पी इज इक्वल टू एल अपॉन एक्स, अरे लिख सकते हैं आसानी से, अब आर ए पी हम यहां से लिख सकते हैं, आर ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन एल, ठीक है, एक्स अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा आर, यही होगा ना, हाँ यही होगा, दिस इज इक्वेशन क्या हुआ सेकेंड, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा एंड सेकेंड, क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि वी ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, हाँ देखो ध्यान से, ई आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस क्या हो गया आर एच है ना, इनटू क्या होगा एक्स अपॉन क्या होगा एल, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यही मैं सेंसिटिविटी भी बता दूंगा, आप यहां से समझ जाओगे, अब देखो क्या होगा, क्या क्या चीज पे पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ये देखो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहां से आपको मालूम चलेगा पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप, देखो यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट, पर यूनिट लेंथ, लेंथ इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां से देखो यही क्या हुआ पोटेंशियल, ये x डिस्टेंस के कोरेस्पोंडेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है VAP, तो हम लिख सकते हैं VAP डिवाइडेड बाय x, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होगा VAP डिवाइडेड बाय क्या होगा x, दैट इज इक्वल टू क्या होगा ER अपॉन क्या होगा r प्लस स्मॉल r प्लस आर एच इंटू क्या होगा वन अपॉन एल, समझ में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आप बता सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, उसके बाद क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल या हाँ प्राइमरी सेल एंड रियो स्टेट ऑफ द क्या द वैल्यू ऑफ रियो स्टेट, ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यहां से दो पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, यहां से हम बोल सकते हैं क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, तो क्या होगा पोटेंशियो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, लेंथ अब द क्या होगा लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, उसके बाद आई मीन यहां से क्या हो जाएगा पोटेंशियोमीटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट आई मीन वी ए पी अपॉन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एल, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है वी ए पी डायरेक्टली लिख देता हूं वी ए पी अपॉन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर, तीसरा जो हम लिख सकते हैं यहां से देख सकते हो कि वी ए पी अपॉन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ई एम एफ अपॉन सिंपल ई एम एफ, और चौथा भी आप ये लिख सकते हो, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, सॉरी सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर नॉट गैल्वेनोमीटर सॉरी, ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इट इज एबिलिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर स्मॉल वैल्यू, या स्मॉल वैल्यू का मतलब क्या हुआ चेंज इन स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल, तो क्या है
इट इज, सिंपल बोल सकते हैं इट इज एबिलिटी ऑफ पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर टू मेजर मेजर्ड वेरी स्मॉल वैल्यू आई मीन टू मेजर वेरी स्मॉल चेंज इन सिंपल हम चेंज इन पोटेंशियल डी सिंपल एक टर्म ले लिया पोटेंशियल ठीक है तो यहां से आपको ध्यान देना ये पूछा जाता है एग्जाम में ध्यान देना ये पूछा जाता है ठीक है कि जितना क्या है आप पढ़े हो एक्सपेरिमेंट भी किए हो तो आपको मालूम है कि जितना ये क्या होगा स्मॉलर चेंज को मेजर करेगा उतना ही इसका सेंसिटिविटी क्या होगा ज्यादा होगा मैं बोलूं कि नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट जो टेम्परेचर सेंसिटिव है मोर टेम्परेचर सेंसिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा भी आप टेम्परेचर यदि चेंज कर दोगे तो उसके वैल्यू में क्या होगा लार्जर चेंज होगा समझ में आया ना तो यही क्या होता है सेंसिटिविटी आगे भी पढ़ोगे जब मैंने बताया था कि हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ नहीं बताया आप लोगों को लेकिन जब हम कहाँ पढ़ेंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सब चीज़ें समझ में आएगी तो उसी तरह क्या होता है कि सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर का वो क्या होना चाहिए कि स्मॉल चेंज को क्या करना चाहिए मेजर करना चाहिए अब सिंपल याद रखना है कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट बस यही याद रखना है कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियो मीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है तो दैट इज यहां लिख सकते हैं दैट इज क्या लिख सकते हो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट ये याद रखना आई मीन क्या होगा कि सेल के ईएमएफ को आपको क्या करना है कम करना है ठीक है अभी मैंने बताया था तो सिंपल यहाँ से आप बता सकते हो कि ये जो सेंसिटिविटी होगा क्योंकि मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दिया था अभी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से कंपेयर करके आप बता सकते हो कि क्या होगा ग्रेटर द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर मोर इट विल बी मोर सेंसिटिव इट्स सेंसिटिविटी विल बी लार्जर एंड वाइस वर्सा जितना क्या होगा पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ क्या होगा ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी सिंपल एक चीज़ लिख लेना नोट में और भी है ईएमएफ है लेकिन ये चीज आप नोट में लिखना कि मोर द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर क्या होगा ग्रेटर द क्या होगा ग्रेटर द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मोर विल बी its sensitivity and vice versa ठीक है एक अब हम आते हैं क्या application of potentiometer wire तो क्या क्या याद रखना है कि potentiometer wire का जो क्या होगा length जो होगा वो क्या होगा सॉरी रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा लेंथ होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा ये सब ड्राइविंग सर्किट जो है इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक है ये आपको ध्यान देना है तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर तो क्या क्या एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या क्या है पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है सिंपल हम इसका एक्सपेरिमेंट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं देखो ध्यान से क्या है पहला एप्लीकेशन क्या है फर्स्ट टू
मेजर द क्या होगा द ईएमएफ ऑफ द सेल. फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकंड जो है क्या है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. और तीसरा जो है क्या है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. टू measured internal resistance of the क्या होगा of the shell. ठीक है, तीन एप्लीकेशन है जिसको हम क्या करेंगे वन बाई वन देखेंगे. हमेशा क्या है आपको मैंने बताया था कि क्या है प्राइमरी सर्किट को हमेशा क्या करना है आपको फिक्स रखना है. क्या करना है हमेशा प्राइमरी सर्किट को क्या करना है फिक्स रखना है आपको. जैसे देखो तो पहला एप्लीकेशन हम क्या देखेंगे पहला एप्लीकेशन क्या है टू मेजर द क्या होगा ईएमएफ ऑफ द शिप. ठीक है, अब देखो क्या होगा. यही सिंपल है, हमेशा याद रखना है प्राइमरी सर्किट जो होना चाहिए ऑलवेज क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए. दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियोमीटर. यही क्या है ये भी पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ हमने क्या मान लिया L मान लिया है ना. और मैंने क्या बताया था ये प्राइमरी सर्किट हो गया दिस. अब उसके बाद क्या करेंगे एक यहाँ से गैल्वेनोमीटर के गैल्वेनोमीटर को एक ये क्या है जॉकी है. दिस इज नथिंग बट द गैल्वेनोमीटर. ये हमेशा दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी सर्किट. ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा ऑफकोर्स क्या होगा प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो आपको मालूम है क्या होगा आई होगा. और यही अब देखो हम क्या करेंगे हमने क्या किया कि जिस सेल का ईएमएफ मुझे मेजर करना है उसको इस यहां कनेक्ट कर दिया. कहां यहां. अब कनेक्ट करने वक्त एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हायर पोटेंशियल ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल एज वेल एज EMF of the primary circuit, I mean EMF of the primary back cell का जो higher potential होना चाहिए वो किधर होना चाहिए A के तरफ होना चाहिए. हमेशा याद रखना है ये चीज. क्या है कि the higher potential of EMF of the cell to be measured as well as the E must be क्या होना चाहिए towards the point A. ऐसे नहीं है कि अब मुझे क्या करना है कि सेल का EMF क्या है E-nut है E-nut, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R दिया हुआ है यही मेजर करना है. तो जब भी मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो हायर पोटेंशियल यदि इस बैटरी का इस सेल का हायर पोटेंशियल A के तरफ है तो इसका भी हायर पोटेंशियल किधर होना चाहिए A के तरफ होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे कि इसको जॉकी को आई मीन क्या है जॉकी है या इसको जॉकी को क्या करेंगे इसको मूव कराएंगे आई मूव कराएंगे क्या इस पे हीट एंड ट्रायल मेथड से हर जगह क्या करेंगे रखेंगे और रख करके देखेंगे कि किस पॉइंट के करस्पोंडेंस जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है जीरो हो रहा है. ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट क्या है पी है. क्या है पॉइंट पी दिया हुआ है तो क्या है पॉइंट पी पॉइंट पी के करस्पोंडेंस इसमें जो क्या हो रहा है डिफ्लेक्शन हो रहा है वो जीरो हो रहा है आई मीन आई जी जो है वो क्या है जीरो है. समझ में आया ना. इसके कोरस्पोंडेंस क्या हुआ कि जैसे ही हमने मतलब मैं स्विच तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ हमने रखा तो मुझे मालूम चल गया कि नहीं इसके थ्रू क्या है करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है जीरो हो रहा है. क्या हो रहा है करंट फ्लो क्या हो रहा है जीरो हो रहा है. अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं देखो अब देखो ये क्या होगा जैसे ही इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो होगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है. क्या है कोई वैल्यू नहीं. तो आप देखोगे कि ये वाला और ये दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए सिंपल. अब हम ऐसे सोच सकते हैं देखो इसका यदि सर्किट ड्रॉ करूं तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस होगा जिसका वैल्यू क्या होगा आर ए पी और करंट तो यही फ्लो हो रहा है यार करंट तो यही फ्लो हो रहा है आई आई का वैल्यू कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो. और यहाँ क्या है यही सेल का क्या है कुछ ऐसे
सर्किट आप दिखाओगे तो कुछ ऐसे सर्किट बन जाएगा। आपको गैल्वेनोमीटर रखना है तो रख भी सकते हो, तो कुछ सर्किट क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये और ये क्या हो गया, पैरल में हो गया क्या? अरे ये दोनों पैरल में हो गया क्या? क्योंकि इधर से क्या है, कोई इधर से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अब देखो ये ऐसे सर्किट है ना, ऐसे मत समझना कि इधर करंट, तो ये और ये क्या हो गया, पैरल में हो गया। सबसे अच्छा इसको हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल इनर्ट इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू क्या होगा, आर ए पी, यही होगा ना। और अगेन आप लिख सकते हो इनर्ट, आई का वैल्यू यहां से बता सकते हो, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई अपॉन क्या लिखोगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर एच, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर अपॉन क्या हो जाएगा, सही लिखा नहीं गलत लिख दिया, एक्स, ये डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया है, ये मान लो कि ये क्या एक्स। अब यदि एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप आसानी से एक्स का वैल्यू रख दो यहाँ, और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपको, यही क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल, अपने को मालूम चल गया, एक्स मालूम रहेगा, दिया रहेगा कि ये लेंथ इतना है तो टोटल रेजिस्टेंस दिया होगा, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल आपको क्या हुआ, मालूम चल गया। दूसरा जो एप्लीकेशन है क्या है, टू कंपेयर द इंटरनल, सॉरी टू कंपेयर द क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, सेकेंड एप्लीकेशन देखो कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, अब देखो सर्किट देखो क्या है, हमेशा क्या है, प्राइमरी जो सर्किट है उसको आपको क्या करना है, प्राइमरी सर्किट को फिक्स रखना है। अब ये किसी बुक में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा तो मत समझना कि ये गलत है यार, है ना, वहाँ आइडियल बैटरी कंसीडर किया गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही क्या है आपका, पोटेंशियोमीटर है, देखो अगेन ये, और यहाँ हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर, ये भी इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। अगेन आपको मैं बता दूं, R is directly proportional to क्या होगा, L, I mean resistance of the potentiometer, resistance, R क्या है, resistance of the potentiometer is directly proportional to क्या होगा, L, ये ध्यान रखना है। अब मुझे क्या करना है, दो बैटरी का, फिर देखो दो सेल है, ध्यान देना इधर, है ना, दो सेल है, एक सेल क्या है, ये, अब यहाँ किसी किसी बुक में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया भी है, किसी किसी में नहीं दिया हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। अब बोलोगे सर इंटरनल, आपने बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी किया जाता है, ऑफकोर्स किया जाता है, लेकिन उसका कुछ क्या है, जो वे है मेजर करने का, वो क्या है, अलग है, उसको हम बाद में देखते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्या हुआ, ए मान लो कि ये क्या है, ई वन, है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर वन, यहाँ क्या है, ई टू, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर टू। अब देखो यही दो सेल है, मुझे इन्हीं का ईएमएफ को क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्विच रखेंगे, एक बार स्विच है यहाँ, तो ये पोजीशन मैं मान लेता हूँ क्या है, वन, और ये क्या है, टू, समझ में आया है ना, यहाँ हमने स्विच रखा है ऐसे, देखो ध्यान से, ये क्या है, स्विच है ऐसे, एस डबल। ठीक है, तो अब हम इसमें दो केसेस कंसिडर करेंगे, देखो यहाँ से भी अगेन देखना, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, अभी एक सर्किट कुछ कंप्लीट नहीं है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल R प्लस आर एच, यही होगा ना, करंट इन द ड्राइविंग सर्किट, यही होगा ना, करंट इन द ड्राइविंग सर्किट। अब हम क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे कि when the switch is at क्या होगा, पोजिशन वन, तो हम लिख सकते हैं दिस इज पोजीशन वन एंड दिस इज पोजीशन टू, तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन व्हेन स्विच इज एट पोजीशन क्या होगा, पोजीशन वन। तो जब वन पोजीशन पे होगा तो देखो यहां फिर से मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं,
आई मीन ऐसे सर्किट हो गया। अब स्विच क्या है, यहाँ कनेक्टेड नहीं है ना, और गैल्वेनोमीटर यही जॉकी है। तो देखो हमने क्या किया, जॉकी को क्या किया, स्लाइड किया, आई मीन स्लाइड नहीं किया, टैपिंग करके कहीं रखा, और मैंने माना कि जिस पॉइंट पे हमने रखा, क्या ये जॉकी हमेशा दिखा देना है ना, ठीक है, हमने क्या किया, जॉकी यहाँ रख दिया, देखो कहाँ कनेक्ट कर दिया, ए पॉइंट पी हो गया। यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है ए क्या है, L1 हमने मान लिया, और ये तो ऐसे ही है, देखो ए E1 हो गया, ए क्या हो गया E2, और ये R2, ये क्या हो गया R2, ठीक है। अगेन इसके कॉरस्पॉन्डेंस इधर जो करंट है वो IG क्या है, जीरो है, आई मीन IG जो है वो क्या हो गया, जीरो, कोई करंट नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट। तो फर्स्ट बैलेंसिंग पॉइंट आई मीन E1 के कॉरस्पॉन्डेंस जो बैलेंसिंग पॉइंट मिला वो कहाँ मिला, इसको हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट और क्या हुआ, बैलेंस पॉइंट, और ये क्या है, ये हमेशा फिक्स रखना है, ठीक है। अब आप देखो क्या कर सकते हो, इसके थ्रू करंट जीरो हो गया, आते अगेन हम बोल सकते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, क्या हो जाएगा सर्किट से, क्या हो जाएगा, हट जाएगा सर्किट से, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं ऐसे। तो E1 इक्वल टू आप बता सकते हो, देखो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, VAP बता सकते हो, लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगेन ए और ए क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। देखो यार इधर से तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए और ए तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा ना। अरे VAP देखो दो रेजिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, ये वाला सर्किट मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझ में फिर से आ जाएगा, और सर्किट मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यही क्या हो गया तुम्हारा, ऐसे सर्किट हो जाएगा। अब मैंने सिंपल यही किया है, पॉइंट पी है, इसको इसकी जरूरत नहीं, इसको हमने कनेक्ट, इसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यही ये हो गया, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, L1 डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हुआ, E1, क्यों, क्योंकि R1 का कोई काम नहीं रहेगा, इसको शॉर्ट सर्किट से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस। इसलिए मैंने बताया था कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करो और नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आप ऐसे ही गैल्वेनोमीटर है, इसको कनेक्ट करना, ये टोटल लेंथ दिया हुआ है, इधर से करंट आ रहा है, यही है ना, इधर करंट क्या हो गया है, जीरो। तो देखो तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना यार, नहीं होता इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो यार, ऐसे RAP, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू क्या होगा, EMF ऑफ द सेल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सॉरी पॉइंट ए एंड पी। तो अब हम लिख सकते हैं VAP, देखो यहां से तो हम क्या लिख सकते हैं, E1, बाद में मैं सिमिलरली लिखूंगा, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VAP इज इक्वल टू क्या होगा, I into RAP, और इक्वल टू RAP क्या लिख सकते हैं, या ऐसे ही रहने दो RAP, ठीक है, बाद में हम आते हैं लिखते हैं, क्योंकि I कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली व्हेन द क्या होगा, स्विच इज एट पोजीशन, एट पोजीशन टू, तो जब देखो ये स्विच क्या हो जाएगा, पोजीशन टू पे हो जाएगा। देखो मैं एक ही सर्किट में बताता हूं कि पोजीशन टू हो जाएगा, तो अब जो एक पॉइंट मिलेगा इधर से हम क्या करेंगे, यहां सर्किट रीड्रॉ कर देता हूं, देखो ध्यान से इसी को। अब हमने क्या किया, स्विच को इस पोजीशन पे ला दिया, ठीक है, और मान लो कि ये क्या हुआ, पॉइंट क्यू मिल गया, ये बैलेंसिंग पॉइंट अगेन मिल गया, क्या मिल गया, बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या है, L2 है यार, तो अगेन देखो जब ये बैलेंस पॉइंट मिला तो इधर से करंट क्या हो जाएगा, करंट जो होगा इधर से क्या हो जाएगा, IG इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, E2 इज इक्वल टू क्या होगा,
वी ए क्यू एंड इक्वल टू क्या होगा आई आर क्या होगा ए क्यू लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे दोनों में दोनों को डिवाइड कर दो ठीक है, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ठीक है, क्या होगा वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा एंड सेकेंड आई मीन ई1 अपॉन क्या होगा ई2, ई2 इज इक्वल टू क्या होगा आई आर ए पी अपॉन क्या हो जाएगा आई आर ए क्यू, ये कैंसिल हो गया। ई1 अपॉन क्या होगा ई2 इज इक्वल टू ठीक है। अब तुम बोलो कि सर आई हमेशा सेम क्या है, तो रियल एस्टेट का काम ही है क्या होना करना करंट सेम सप्लाई करना, समझ में आया ना क्या होगा रियल एस्टेट का, वहां हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा सेम। हमेशा क्या करना है आई जो है ड्राइविंग सर्किट में जो करंट होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ई1 अपॉन ई2 इक्वल टू क्या मीना आर ए पी अपॉन क्या होगा आर ए क्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपको ही मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बैलेंसिंग लेंथ है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ई1 अपॉन ई2 इज इक्वल टू क्या होगा L1 अपॉन क्या हो गया L। एक और भी है कंपोनेंट और डिविडेंड आप यूज कर सकते हो यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं ई1 माइनस ई2 अपॉन क्या लिख सकते हैं ई1 प्लस ई2 इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 क्या लिख सकते हैं L1 प्लस L2, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, इसको बाय यूजिंग कंपोनेंट टू डिविडेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो रिजल्ट याद नहीं करना है, ध्यान से देखोगे तो इसको याद नहीं करना है केवल समझना है ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या था बाय कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, तो देखो ई1 अपॉन ई2 इज क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई मीन सिंपल हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बैलेंसिंग लेंथ ठीक है, सिंपल हम लिख सकते हैं यहां से। तो हम नोट में मैं लिख देता हूं कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बैलेंसिंग लेंथ आई मीन ग्रेटर द बैलेंसिंग लेंथ है ना लार्जर विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड वाइस वर्सा। तो हम लिख सकते हैं कि नोट में यहां लिख देता हूं क्या होगा कि ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी मेजर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ आई मीन सिंपल लिख देता हूं ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां एक्स लिख देता हूं एक्स क्या है बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंस कहां से कर रहे हैं आपको समझ में आया ना ए एंड ए से, बी से मत कर देना यार नहीं तो आंसर क्या होगा गलत आ जाएगा। तो बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम ए बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम एंड ए ध्यान देना है ठीक है। तो यही आपको मालूम हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या है L1 अपॉन L2 आप आराम से लिख सकते हो। सेकंड जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है इंटरनल, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ठीक है, क्या है टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बस यही करना है कुछ उसमें नहीं करना है, कुछ नया चीज नहीं है। तो अब हम थर्ड जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं, क्या है थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल ठीक है। देखो अगेन ERH ठीक है ए इंटरनल रेजिस्टेंस ए पोटेंशियोमीटर दिस इज, हमेशा पोटेंशियोमीटर को फिक्स रखना है, देखना कहीं किसी सर्किट लेंथ चेंज हो रहा हो दो सर्किट में तो तुम सेमी लेंथ मानना अलग अलग मत कंसीडर कर लेना, एक एक्सपेरिमेंट जो लेंथ होगा वो क्या होगा सेमी रहेगा, ऐसे नहीं है कि एक में ज़्यादा हो गया एक में कम हो गया, वो गलती से ड्रॉ करने वक्त
छोटा बड़ा हो जाता है लेंथ, ठीक है। तो अगेन क्या है, ये लेंथ है एल, इसका अगेन हमने आर क्या मान लिया है, इसका जो आर ए भी मान लेते हैं, या देखो यहाँ ध्यान से, अगेन हमने क्या किया यहाँ, पहले देखो इधर से, एक यहाँ रेजिस्टेंस दिया रहेगा आपको जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ सेल है हमेशा, देखो अब इस सेल का हायर पोटेंशियल किधर है, ए की तरफ है, तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है उसका भी हायर पोटेंशियल किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। तो अगेन यहाँ क्या है, देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ स्विच रख रहे हैं, है ना, देखो इसमें कैसे है, पहले स्विच को पहले क्या करना है, पहले तो इसे कनेक्ट कर देना है, उसके बाद तीनों को एक साथ ज्वाइन करना है, और फिर मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। अब देखो इधर करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, अब पहले देखो क्या है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया कि इस पॉइंट से क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट फिगर में ध्यान देना। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ जॉकी है तो जॉकी को हमने क्या किया, इस पर मूव कराया, उठा करके रखा, और यहाँ देखा कि इसकी कॉरस्पॉन्डेंस, ये जो पॉइंट पी है उसकी कॉरस्पॉन्डेंस इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो रहा है, आई जी जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। अगेन उसके कॉरस्पॉन्डेंस आप देखो, आप यहाँ से बता सकते हो कि क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये समझ में आया ना, और ये लेंथ कितना मिला आपने को, इसके कॉरस्पॉन्डेंस एल वन मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ से देखो अगेन क्या होगा, ए और ए क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वी ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू क्या होगा, आर ए पी, ठीक है, क्या होगा, आर ए पी, और वी ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम ऑफ द सेल हो जाएगा यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर ए पी, एक इक्वेशन मिल गया है। अब फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इसको सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट केस जो था वो खत्म हो गया अभी। अब अगेन इसको हमने क्या किया, इसको देखो अब क्या करेंगे, इसको गैल्वेनोमीटर से अभी सर्किट को कनेक्ट करके और फिर गैल्वेनोमीटर को हमने क्या कराया, मूव कराया, तो ये पॉइंट मिला, क्या मिल गया, क्यू मिल गया, ये भी क्या हुआ, नल पॉइंट, ठीक है। अगेन इधर करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इधर करंट जीरो, समझ में आया। अब देखो क्या होगा, अगेन हमने क्या किया, रियल स्टेट का वैल्यू इस तरह एडजस्ट किया कि सर्किट में जो करंट, इधर जो करंट ड्राइविंग सर्किट में जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आई ही रहना चाहिए। यहां मैं नहीं दिखा रहा हूं लेकिन आपको ऐसा मानना है। तब हम लिख सकते हैं कि अगेन ये लेंथ जो मिला अभी क्या मिल गया यार, L2, ठीक है, क्या हुआ L2। तो अगेन देखो क्या होगा, वी ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई, ठीक है, क्या होगा, आई इंटू आर ए क्यू, और वी ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आप देखो इसमें तो यार करंट फ्लो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, इसमें तो कुछ तो करंट फ्लो होगा यार, आई नट, आई नट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन रहना, देखो वी ए क्यू, अब इसको लिख सकते हैं आई नट, आई नट इंटू आर भी लिख सकते हैं यार, आई आर ए क्यू, सही है, या लिख सकते हैं ई माइनस आई नट आर, ई भी लिख सकते हैं यार, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ई E माइनस क्या लिख सकते हैं, आई नट आर, ई भी लिख सकते हैं, वेयर आई नट इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल, सही है।
अरे कोई डाउट नहीं है ना इसमें, E इक्वल टू, देखो अरे आई नॉट इक्वल टू ये होगा ना, एक E अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, देखो यहाँ से आई मीन इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन क्या हुआ सेकेंड और ये क्या हुआ थर्ड, फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम सेकेंड एंड क्या होगा सेकेंड एंड थर्ड, तो हम लिख सकते हैं क्या E R अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्वल टू क्या हो गया I R, ये इक्वेशन क्या हो गया आपको। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ को क्या करो डिवाइड कर दो यार, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट फोर्थ एंड फर्स्ट तो नाउ लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो इससे अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ आई मीन फोर बाई वन लिख रहा हूँ, तो आपको मालूम चल जाना चाहिए ये कितना हो जाएगा। ई का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ यार, सबसे अच्छा है, ये क्या हो जाएगा आई आर ए पी इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू आई आर एक, ये आई से आई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू आर ए क्यू, आर ए क्यू अपॉन क्या होगा आर ए पी, और इसको लिख सकते हैं एल टू अपॉन एल वन, सही है ना, हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर एल वन ठीक है प्लस सॉरी आर एल वन इक्वल टू क्या होगा आर एल टू प्लस आर, यही होगा ना यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यहाँ से क्या हुआ देखो आर इंटू क्या हो गया एल वन माइनस एल टू आर एल टू और आर अपॉन एल एल वन अपॉन एल टू माइनस क्या हुआ वन इक्वल टू, ये दो लेंथ दिया रहेगा और आप क्या कर सकते हो आसानी से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द क्या कर सकते हो बैटरी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको माइंड में क्या है रखना चाहिए, है ना, क्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि R इज इक्वल टू क्या होगा R अपॉन एल आर इंटू एल वन अपॉन एल टू माइनस वन, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है L1, ये याद रखना पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं है यार, दिस इज नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दिस इज नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये क्या है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ क्या होगा विथ देखना, गलती से कहीं मैंने दोनों का ई और ड्राइविंग का वैल्यू जो सेम हमने कंसीडर किया हो तो सेम नहीं होगा, सेम भी हो भी सकता है और क्या होगा नहीं भी हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना चाहिए और फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके थैंक यू। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कल आई मीन नेक्स्ट क्लास में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू, बाय, हाय, बाय।